Hello everyone, this is Devdarsh. I consider myself privileged enough to have topped the Punjab State Civil Services Examination 2018. I've also secured All India Rank 12 in Indian Forest Service Examination held the same year. Delhi Knowledge Track पे मैं अपनी strategy और अपनी journey अभी share करने वाला हूँ. If you will ask me what is the gospel or the mantra to success, I'll say 3 P's. First and foremost is passion, of course. You should be passionate enough to become a civil servant. The objective as to why do you want to become a civil servant should be clear to you. The first question you should be asking yourself is, do you want to become a civil servant for money? Do you want to become a civil servant for authority? Do you want to become a civil servant to impress your neighbors or your family? Or do you want to become a civil servant because you are genuinely interested in bringing a social change in the society? The second P that matters is positivity, because it's important to stay positive throughout your journey, because that will boost you, that will boost your preparation, and positivity will be reflected in your answers, the way you will answer, the way you will present yourself in interview, and it's definitely going to be helpful. Third and perhaps most important P is the perseverance. Perseverance is not about never falling, it's about rising every time that you fall. So patience and continuity is very much required for a civil services aspirant. To put things in perspective, I'll talk about the procedural, technical and other miscellaneous aspects of the examination. To begin with the procedural aspects, the examination jo hai, ye 3-tiered examination hai. Pehle preliminary examination hota hai, phir mains and then interview. 22nd July ko preliminary examination hua tha, iski do stages hoti hai. First paper hai general studies ka aur dusra paper hai CSAT ka. PPSC के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से डिफरेंट है क्योंकि सी सेट यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है. दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि नेगेटिव मार्किंग पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं है. जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है उसमें जो जनरल स्टडीज़ के जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स हैं, बी इट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, ये इन सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पेपर टू में पंजाबी के अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस और सी सेट मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं टू मेक अप अ टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन पेपर वन में 2 मार्क्स का होता है और पेपर टू में 2.5 मार्क्स का. तो ये है स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. मेन्स एग्जामिनेशन के 7 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, 2 पेपर है लैंग्वेज के और 1 है एसे का, एंड फाइनली देयर इज द इंटरव्यू. 67 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी अप्रॉक्सीमेटली मार्च में, एंड पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल कैटेगरी की सिर्फ 7 पोस्ट होती हैं इस ईयर. टोटल ऑफ 67 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस निकाली गई थी क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अलावा डीएसपी, डीएसपी जेल्स, बीडीपीओ, तहसीलदार, ये सारी पोस्ट भी हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन निकली थी. प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. आई विल नॉट गो इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ द नोटिफिकेशन, बट जो ब्रॉड एलिजिबिलिटीज़ हैं पीसीएस एग्जाम में अपीयर करने के लिए, फर्स्ट है एज क्राइटेरिया. एज है 21 से 37 टू अपीयर फॉर ऑल द सर्विसेज. लेकिन डीएसपी के लिए अगर आपको अपीयर होना है तो उसकी एज लिमिट कम है. सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट यू शुड पोजेस अ बैचलर्स डिग्री. बट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अपेयर हो सकते हैं, लेकिन आपको मेंस में वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इन फ्रंट ऑफ द कमीशन. थर्ड एलिजिबिलिटी है कि आपने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी लैंग्वेज पास की होनी चाहिए. तो रेजिडेंसी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हरियाणा या अदर स्टेट्स के लोग भी पीसीएस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो जो पेपर वन है जनरल स्टडीज़ का, तो उसमें थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस इन ऑल द एरियाज, ऑल द डोमेन्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी भी बहुत है, तो कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी किसी एरिया में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. सो वी कैन नॉट गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विद सम प्री कंसीव्ड नोशंस, बिकॉज द एग्जामिनेशन पैटर्न कीप्स ऑन चेंजिंग विद द माइंड ऑफ द पेपर सेटअप.
So the first suggestion is that do not go to the examination hall thinking that a particular kind of questions will be asked. I have been asked numerous queries related to CSAT, क्योंकि CSAT this year एक ऐसा एरिया था जिसके कारण बहुत सारे लोग जिनकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी थी वो प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए. तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. उसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे जो हज़ारों और लाखों में जो लोग अपीयर होते हैं उनके मेंस के पेपर चेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है. तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको छांटा जाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू. ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको हर एरिया का सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जो होती है वो बहुत हाई नहीं होती है. दिस ईयर द कट ऑफ वॉज 292. आई हैव गॉट 158 इन पेपर वन एंड 187.5 इन पेपर टू आउट ऑफ 200 बोथ. तो कट ऑफ अचीव करना इज़ वेरी मच डूएबल गिवन कि आपकी जो बुक लिस्ट है वो बहुत नैरो है. पांच किताबें पढ़ने की हर सब्जेक्ट के लिए पांच किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही किताब को यू स्टडी इट 5 times. एज फार एज बुक लिस्ट इज़ कंसर्न्ड, आई डोंट वॉन्ट यू टू रेडिकली ऑल्टर योर बुक लिस्ट. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सम स्टेज ऑफ प्रेपरेशन, कंटिन्यू विद द बुक्स दैट यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग. येस देयर विल बी सर्टेन एरियाज विच माइट नॉट बी कवर्ड इन योर बुक्स, सो एट द पॉइंट्स or the areas or the topics that are not mentioned in your book, start writing them on your book or in a separate notebook. But if you are starting from scratch, yes, definitely, there can be a certain set of criteria to identify ki kaun si book padhe aur kaun si nahi padhe. Polity ke liye generally beginners ko Lakshmikant suggest kari jati hai. History ke liye, modern India ki history ke liye Spectrum suggest kari jati hai. To jo basic books hai, at least inko aap complete kariye, then only move to the next books, next set of books. NCERTs है, NCERTs इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, बट हर सब्जेक्ट की NCERT पढ़ना इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है. साइंस, बेसिक साइंस की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इनमें NCERT पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर अदर सब्जेक्ट्स. करंट अफेयर्स जो हैं उसको भी आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो या करंट अफेयर मैगजीन से भी कवर कर सकते हो. न्यूज़पेपर से कवर करने का फ़ायदा ये है कि आप रेगुलरली टच में रहते हो करंट अफेयर्स के और फाइनली बर्डन इकट्ठा नहीं होता है. बट मीन्स मैगजीन से करंट अफेयर्स स्टडी करने का फ़ायदा ये है कि एक आपको क्यूमुलेटिव अकाउंट जो है पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का मिल जाता है, तो उसको रिवाइज करना बहुत आसान होता है. तो दोनों स्ट्रेटजीज ही पॉसिबल है. मैं न्यूज़पेपर कम पढ़ता था, मेरा फोकस ज़्यादा मैगजीन्स पे होता था क्योंकि रिवाइज करता था. बट देन इंटरनेट तो सबके पास अवेलेबल ही है आज, तो इंटरनेट से वैल्यू एडिशन आई यूज टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इंटरनेट, वन मोर थिंग आई वॉन्ट से अबाउट इंटरनेट इज दैट वी हैव टू मेक गुड यूज ऑफ इंटरनेट, द डिजिटल मीडिया. लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर. द क्वेश्चन पेपर इज bilingual फॉर बोथ prelims एंड mains. दोनों का पेपर पंजाबी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश होता है. लैंग्वेज का जो mains का पेपर है पंजाबी और इंग्लिश का, वो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज में आएगा क्योंकि उसमें मेन ऑब्जेक्टिव है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करना. जो मेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 13 टाइम्स द वैकेंसी जो है, जितनी भी वैकेंसी है उसका 13 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिलेक्ट किए जाते हैं मेंस में. और फाइनली इंटरव्यू के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 times. नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है नॉट मोर देन 3 times. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 3 times कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे. ये कम्प्लीटली PPSC का प्रेरोगेटिव है कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं. मार्क्स की बात करें तो मेंस में जो 7 papers हैं, 4 general studies के पेपर हैं, GS 1, 2, 3, 4, चारों 250 marks के हैं. 2 language के पेपर्स हैं पंजाबी और इंग्लिश, दे बोथ कैरी 100 marks. जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं इनका स्टैंडर्ड 12th के लेवल का पेपर सेट किया जाता है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th में पंजाबी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो. मैंने भी पंजाबी एज अ सब्जेक्ट 10th तक ही पढ़ा है. बट जो पेपर होता है उसके दो लैंग्वेज वाले पेपर के 2 parts होते हैं. 1 is सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए इज़ जेनरिक विच इंक्लूड्स कॉम्प्रीहेंशन, इट माइट इंक्लूड ऐसे पेपर. सेक्शन 2 इज़ मोर अबाउट ग्रामर. तो जो ग्रामर है उस पर आई सजेस्ट पे मोर फोकस टू दैट एरिया, इन दैट एरिया, क्योंकि वो बहुत सारे मार्क्स आपके डिसाइड कर देता है. ट्रांसलेशन वगैरह भी पूछी जाती है पेपर में. ऐसे का पेपर होता है 150 marks का, उसमें 3 hours में 3 essays लिखने होते हैं. जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बैटल ग्राउंड फेयर करने के लिए प्रीलिम्स में 20 minutes और मेंस में 30 minutes एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिमिनरी और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और कोहरेंट वे में प्रिपेयर करना चाहिए. इट्स नॉट सजेस्टेबल टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन साइलोज.
But you have to understand that the prelims is more of factual based and mains is more analytical nature, more of analytical nature. तो जो questions हैं prelims में वो fact based, जैसे the virgin of the rocks painting किसकी है, who is the painter of this painting, तो ऐसे questions prelims में आए, this year they came. तो facts पे आपका study focus होना चाहिए when you are preparing specifically for prelims. But then you are also supposed to be aware about what's happening in your surroundings. Develop a critical way of looking at things. Develop a spirit of inquiry. अगर कोई भी issue आप देखते हो उसके बारे में सोचिए. जैसे मान लीजिए आपने simultaneous elections के बारे में पढ़ रहे हो, तो सोचिए कि क्या इंडिया की ऐसी हिस्ट्री है, पहले कभी simultaneous elections हुई हैं या नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी प्रोविजन को चेंज करना पड़ेगा. अगर कोई अमेंडमेंट आती है, लेट से सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के लिए अगर कोई कमीशन बनाई है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा, जीएसटी के कारण कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज होती हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट एंड थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस. देन यू शुड ऑल्सो डिवेलप अ साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट हैपन अराउंड यू. प्रीलिम्स में इतने मतलब सोचने वाले क्वेश्चंस भी आए हैं जो शायद अपेरेंटली लगे कि डिफ़िकल्ट है. जैसे पूछा था कि विनेगर में एसिटिक एसिड और वाटर की कितनी परसेंटेज है, तो बट जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. बेसिक साइंस के लिए आई सजेस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटीज. और ज्योग्राफी वगैरह के लिए एक चीज़ जो आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए वो है एटलस. चार मैप्स जो आपके रूम में हमेशा होने चाहिए वो है दो फिजिकल और दो पॉलिटिकल, वन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ वर्ल्ड ईच. इसके अलावा अगर बात करें तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आंसर राइटिंग, एक अच्छा आंसर क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट देन देर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट अ टीचर वुड वेरी मच लाइक टू सी इन योर आंसर. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर इज बॉडी, इज बिगिंस विद इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड फाइनली कंक्लूजन. तो कुछ एलिमेंट्स जो है एक अच्छे आंसर के, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन लिखा होता है, कुछ में एलेबोरेट होता है, कुछ में एनालाइज होता है, कुछ में क्रिटिकल एनालिसिस होता है. ऑल दीज थिंग्स कैरी अ डिफरेंट, दे कैरी अ डिफरेंट मीनिंग एंड देयरफॉर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट. द कंटेंट दैट यू विल हैव, द फैक्ट्स, द डेटाज दैट यू विल हैव वुड मोर और लेस बी द सेम, बट द वे यू विल प्रेजेंट योर आंसर शुड कैटर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू फेच मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स. देन यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ योर डेटा बाई एडिंग सर्टेन डेटा बाई फैक्ट्स एंड फिगर्स. फॉर इंस्टेंस अगर रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के एटमोसफियर के ऊपर, इंडिया के एटमोसफियर के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज कोट रादर देन सेइंग कि हम रिसर्च और डिवेलपमेंट में लो इन्वेस्ट करते हैं. वी कैन ऑलवेज से दैट 0.6% ऑफ द GDP इज बींग स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डिवेलपमेंट. Then we can start making national or international comparisons. Israel is spending 4% on research and development. Therefore, the science and technology atmosphere in Israel is of course a little better when it's compared to India. So whenever you quote certain data, it makes your answer more credible. Then you can always quote certain reports and certain famous personalities, certain authors, so as to make your answer stronger. If a question is asking you about low female labor force participation rate and why it's important to increase that rate, you can always say that Christine Lagarde has said that if women also start participating in the Indian workforce, our GDP is going to increase by 27% or so. So by quoting certain examples, certain facts and figures, your answer becomes more credible. Second element that should be that should generally be present in your answer is the comprehensive nature of looking at things. Try to cover various dimensions, as many dimensions as possible. If a question comes on globalization, start thinking about it, brainstorming about it from different perspectives, social, economic, political, from perspective of international relations. Look at it through the prism of science and technology. See if it's going to have any implication on security or environment, etc. Then optimism is an element which is generally preferred, especially in the conclusions or when you are suggesting a way forward. Finally, I also think that writing your answers such that they have a social inclination, that show your democratic character, that show your inclusive character, would always be welcome. Let's say if a question comes on Kigali Agreement, of course you have to write about the basic points and the environmental aspects
that the agreement is dealing with. But if you can say that till now we have been using chlorofluorocarbons, then we shifted to hydrofluorocarbons, and hydrofluorocarbons also have a very high global warming potential, if not the ozone depleting potential. But then if you are suggesting that hydrofluorocarbons should be wiped out, then what is the way forward for the refrigeration industry or the air conditioning industry? So if you can suggest that hydrofluoroolefins can be suggested as the way forward, so it will show to the examiner that you are also worried about the social conditions. You are worried about the workers, you are worried about the industry. You don't want the industry to end up in tatters. So therefore you are concerned about environment, but then you are also a visionary person who can give solution to the problems. Recognition of solution problems is the first and perhaps the most important thing, because jab tak problem ko realize nahi karenge to solution nahi aayega. But problem ko realize karke solution dena, visionary approach rakhna, optimism rakhna is equally important. When I say optimism, this does not mean that there should not be an element of realism in your answer, especially in, let's say, if a question comes about foreign policy or international relations. Realism should also be reflected in your answer. It's not that we should start living in a fool's paradise merely to praise the government policies. For instance, if the question asks you to critically look at the rising importance of BIMSTEC vis-a-vis SAARC insofar as India's engagement in it with its neighbors is concerned, so you can obviously quote certain data saying that, let's say, motor vehicle agreement was not passed in SAARC because Pakistan kept blocking it. Similarly, you can talk about cross-border terrorism issues. So realism has to be there if you want to analyze a problem comprehensively. Let's talk about the interview. Interview is more of a personality test, which means that they are going to test your personality. The primary objective of interview is not to test your knowledge, because wo knowledge to already test ho chuki hai mains mein. तो ये ऑब्जेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंटरव्यू में फोकस होना चाहिए प्लेजेंट पर्सनैलिटी डेवलप करने का. ये पर्सनैलिटी ऑब्वियसली ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, और अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है. बट देन देयर आर सर्टेन ट्रेट्स विच आर एडवाइजेबल कि आप उसको खुद में इंकल्केट करें, जैसे इंक्लूसिवनेस है, डेमोक्रेटिक नेचर है, रिस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ द लैंड. दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज़ विच वुड ऑलवेज बी अवॉर्डेड इन एन इंटरव्यू. I have got one of the highest marks in both IFS interview as well as in PCS interview. So one thing which I think was very important in my interview was honesty. Kyunki hamari utni age nahi hai jitna unka experience hai. So obviously it's always advisable to remain honest. Don't try to fool them. And in your interview, you should reflect a critical way of looking at things, a very comprehensive way of looking at things. You are not going to become a part of the political executive, but the permanent executive. तो जो एक ब्यूरोक्रेट जैसे सोचता है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. अदर देन दैट, इन एन इंटरव्यू आई थिंक यू शुड नॉट हैव सेक्टेरियन और फंडामेंटलिस्ट व्यूज, बिकॉज दोज आर नॉट वेरी प्लेजेंट व्यूज टू हेयर. स्पेशली इन द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दे आर गोइंग टू आस्क यू सर्टन पोलिटिकली इनक्लाइंड क्वेश्चन. तो इफ दे डू दैट आई वुड सजेस्ट resort to take a refuge behind certain government committees or commissions if they ask you, let's say, about Bargadi incident, because they asked about it to a lot of candidates. I would suggest that say that this and this is the government commission, let's say Zora commission said this, and therefore you can have a view about it because a committee or commission constituted by government said so. It's always advisable to do that. Other than that, in an interview, I think you should also be positive towards the societal problems. You have to understand the problems carefully. For instance, in my interview, I categorically said that Punjab has become the cancer capital, the diabetic capital, the drug capital, and therefore, unless you understand the problems, so how can you take solutions towards it? But then, of course, once you recognize the problems, you should suggest a way forward and the solutions to it. So the interview is of 150 marks. The general studies paper, the four general studies papers are of 1000 marks. 200 marks are for language paper, 150 for essay, which makes it a total of 1500. Now, the key to success in civil services mains examination and interview is that you should know something about everything and everything about something, especially in an interview. In an interview, if you are not able to answer a question about, let's say, any current issue, they are not going to penalize you heavily. But if you are not able to answer a basic question,
लेट्स से आपको कोई कोर एरिया है, आपके इंटरेस्ट आपसे फिल करवाते हैं, तो अगर आपका कोर एरिया है इन्वायरमेंटल इशूज़ और आप कोई चिपको मूवमेंट का कोई बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हो, देन इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैडली ऑन यू. सिमिलरली अगर आप सिविल इंजीनियर हो, 4 साल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, इफ़ यू कैन नॉट टेल हु इज़ विश्वेश्वरैया, सो या वाई इज सिविल इंजीनियरिंग कॉल्ड मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग्स, तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द थिंग्स दैट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन योर पर्सनैलिटी, कि 4 साल पढ़ा है और फिर भी यू डोंट नो बेसिक थिंग्स अबाउट इट. बट अगर ब्रॉडली कोई इशू आप मिस कर जाते हो करंट अफेयर्स का या इवन स्टैटिक का, दे आर नॉट गोइंग टू फील बैड, सो देर इज नो नीड टू फील एक्सट्रीमली बैड और स्टार्ट पैनिकिंग. दे आर जनरली वेरी कम्फर्टिंग, द इंटरव्यू बोर्ड इज वेरी कम्फर्टिंग, सो यू डोंट नीड टू फील दैट वे. सी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नॉट 100 meter रेस, इट्स अ मैराथन, और मैराथन में ये मैटर नहीं करता कि आपने हर लैप फास्टेस्ट कंप्लीट करी है या नहीं, इट्स द क्यूमुलेटिव स्कोर दैट मैटर्स. तो इसलिए अगर हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो भी इट्स डोंट स्टार्ट पैनिकिंग इन द पेपर. मेरे शायद किसी भी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स नहीं होंगे, बट व्हेन यू टेक अ क्यूमुलेटिव स्कोर इट बिकम्स द हाईएस्ट. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट द जर्नी कैन बी वेरी टायरिंग एंड आर्डुअस एट टाइम्स, सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे मोटिवेटेड. And self-motivation is the best motivation. If you are very clear about the objective as to why you have to prepare for civil services, तो motivation की problem उतनी नहीं आएगी. अगर आपके लिए civil services को qualify करना, एक civil servant बनना उतना important है जितना let's say खाना खाना, तो obviously आपको external motivation की ज़रूरत नहीं है. Yes, there would be times when you will feel down. So in those times, it's important to stay calm and positive. Look at the success stories of various candidates. Look at the immense social changes that are being brought about by various civil servants. तो आप जब देखोगे कि कोई भी civil servant क्या change ला रहे हैं society में, किस magnitude की change ला रहे हैं, तो it will keep you motivated and therefore it will keep you on track. So stay positive and stay calm. And yes, failure is success turned inside out. तो yes, थोड़ी difficulties आ सकती हैं, शायद पहली बार में qualify नहीं हूँ. But if the objective is clear to you as to why you want to become a civil servant, so then these delays would not matter in the end. जब result आया उसके बाद मैं अपनी सारी preparation जो है 2016 के बाद की I forgot about it. तो I am guaranteeing you that you will also forget about the hard work that you are, the lot of efforts that you are putting in once the results would be out. So stay positive, stay calm, and जो संघर्ष है ये तो it's a part and parcel of the life, it will continue. तो the only thing I want to say is, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान के आगे मोड़ ली, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या. सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, स्टे पैशनेट. देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कोट केस स्टडीज, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वेरियस स्टेट्स. यू कैन ऑल्सो कोट सर्टन डेवलपमेंटल मॉडल्स ऑफ वेरियस अदर डेवलपिंग नेशंस और इवन द डेवलप्ड वर्ल्ड. लेट्स इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू कैन सजेस्ट, you might as well quote the Vietnam's model of intergenerational homes. Similarly, आप Israel का precision irrigation का आप कुछ भी quote कर सकते हो. Then, let's say, जो indigenous models हैं, developmental models हैं, जैसे हिवड़े बाजार है, तो case studies can also be quoted, especially in ethics paper, as well as in other general studies papers, they'll always fetch you more brownie points. Other than that, you should also try to mention legislative frameworks that are in place. International conventions hai, koi law hai, koi policy hai, koi government ki scheme hai with respect to any issue. This, for instance, agar question aata hai ki preserving the cultural heritage is the need of the hour. So there you can talk about schemes like adopt a heritage. It will show to the examiner that you have a very good understanding of the issue and what steps the government is taking to do whatever is being asked in the question. Then if a question is specifically asked on critical analysis of the policy, you don't have to necessarily take a stand throughout your question, because the critical analysis itself means that you have to you should try to incorporate the various views that are possible on a particular issue. Let's say critical analysis of MGNREGA. So you have to start thinking like a bureaucrat, which means that you should look at each and every element of the scheme and then say that okay, this is something which is good about the scheme, this is something which is not, and then say what are the changes that you wish to see
in the MJ-NREJ or the changes that government should bring in the act. Let's talk a little about the prelims. The kind of questions they are asking, see, the questions would be framed in such a way that 30% of the questions are very easy, 30% of the questions are very difficult, and 40% of the questions would be of medium difficulty. Now the 30% questions which fall in the easy category, ये वैसे questions हैं जो almost सबको आते हैं. दो तीन गलतियाँ होंगी obviously क्योंकि pressure में होते हैं, but these would be the questions answers to which would be known to almost everybody. Then there is other set of questions, 30% of the hard questions. जैसे इस साल कुछ questions आए, MSP के ग्रेड ए का पेडी का प्राइस पूछा था, वो जुलाई में ही अनाउंस हुआ था, तो ऐसे questions भी आते हैं. वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी पेंटिंग है, या फिर शाहजहाँ की रेन में तख्ते ताऊस के बारे में, विच फॉरन ट्रेवलर हैज़ रिटन नोट्स ऑफ ऑन इट. तो दीज आर सम ऑफ द हार्ड क्वेश्चंस. यू मे और मे नॉट नो द आंसर्स टू इट. यू डोंट नेसेसरीली हैव टू पैनिक इन द एग्जामिनेशन हॉल जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो ये 30% क्वेश्चंस भी ज़्यादा फर्क नहीं लाएंगे रिजल्ट में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको नहीं आते. द डिफरेंस विल बी मेड बाई द 40% ऑफ द मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस. तो उनकी तैयारी है जो आपके रिजल्ट को, प्रीलिमिनरी के रिजल्ट को अफेक्ट करती है. तो जितना आप एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं, जितना आप अच्छे से पढ़ते हैं, उतना ही आपका प्रीलिमिनरी का स्कोर इम्प्रूव होता है जनरल स्टडीज़ पेपर वन में. जनरल स्टडीज़ पेपर टू की बात करें, सी सैट की, तो सी सैट में बेसिक मैथ्स आपसे, बेसिक्स मैथ्स ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, बट वो प्लस वन प्लस टू लेवल का या नॉन मेडिकल लेवल का मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछ रहे हैं. वहाँ पे फोकस है रीजनिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. तो उसको इम्प्रूव करने का तो एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, स्टार्ट इन्जॉइंग प्लेइंग विद नंबर्स, स्टार्ट प्लेइंग विद डेटा. व्हेनेवर यू लुक एट एनी चार्ट और एनी बार ग्राफ और अ पाई चार्ट, प्ले विद इट एंड जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू से. दिस इज द ओनली वे ऑफ इम्प्रूविंग योर सी सैट पेपर. वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड की करंट अफेयर्स कब से पढ़ने हैं और कब तक पढ़ने हैं. जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना पीछे तक जाएंगे उतना बेटर है, बिकॉज अनसर्टेनिटी तो है ही. बट जो करंट ईयर है उसके करंट अफेयर्स के बिना तो आप पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते. दिस ईयर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ऑन 22nd of July. तो वो न्यूज़ जो 7th July तक भी थी, उनके क्वेश्चन भी पूछे गए. जैसे बुकर प्राइस था तो उसका क्वेश्चन पूछा गया, जो MSP वाली मैं अभी बात कर रहा था, वो क्वेश्चन भी, वो चीज़ भी जुलाई में हुई थी. तो जुलाई तक के क्वेश्चन भी आपको प्रिलिमिनरी में पूछे गए हैं. और क्योंकि ये पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो पंजाब के ऊपर आपका एक्स्ट्रा एम्फेसिस होना चाहिए. पहले तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पंजाब की विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डेटा, कौन सी मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी तहसील्स हैं, कितने विलेजेस हैं, तो इन सब का ब्रॉड आपको डेटा और फैक्ट्स और फिगर्स आपको याद होने चाहिए. जैसे दिस ईयर ओनली दे आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब, तो वो इंडियन गॉशॉक है, बट उसका साइंटिफिक नेम पूछा था, कॉमन नेम नहीं लिखे हुए थे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट व्हेन यू आर स्टडिंग पंजाब. और पंजाब के लिए तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी एक्सटेंसिवली. करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे पंजाब के रिलेटेड. लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है कि कोई रामसर इंपॉर्टेंस का वेटलैंड साइट है पंजाब में या नहीं है, पंजाब कौन सी स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ टू साउथ अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अरेंज करनी है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करनी है, तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट एसे नाउ. नोटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली सेज 3 or 4 थिंग्स अबाउट द एसे. प्लीज़ गो एंड रीड दोज थिंग्स बिकॉज दे हैव, अगर PPSC इज टेकिंग पेन टू राइट दोज थिंग्स, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी एवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैरामीटर्स. यू आर स्पेसिफिकली आस्क्ड टू कीप क्लोज टू द टॉपिक, एंड बेसिकली टॉपर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज से दैट योर एसे शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ ओरिजिनैलिटी, इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव, इट शुड, एंड PPSC इज ऑल्सो सेइंग दैट मार्क्स वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. तो कितना एग्जैक्टली आप एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, और कितना क्लोज रहते हो आप उस टॉपिक के, दीज आर द थिंग्स दैट वुड ऑलवेज बी गिवन वेटेज टू व्हेन दे आर इवेल्युएटिंग अवर एसे पेपर. एसे का भी स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है. बॉडी की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो जो कंटेंट होता है, प्रिपेयर किया होता है, वो हमारे पास होता है. तो कंटेंट, आई डोंट थिंक कंटेंट इज़ गोइंग टू बी एन इशू. इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो जो इंट्रोडक्शन है उसके भी बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन बिगिन विद अ कोट,
Yes, you can begin with a quote. You can begin with an anecdote. You can begin with a story. You can begin with defining the issue that is being asked in the essay. You can also ask questions in the introduction. So there are different ways. Start experimenting with those ways and before you go to the examination hall and do it on the D-Day. Conclusion is something that should reflect optimism. Conclusion is equally important as is introduction, if not more, because it's only after reading the conclusion that marks are being awarded to you in the essay paper. So conclusion mein kuch repeat nahi karna hai, but at the same time kuch radically different ya radically new bhi nahi batana hai. It should be more like the gist of the essay, and it should include a particular way forward for any issue or problem that has been asked in the essay. Very brief about body. When I say it should be comprehensive, it means that before you start writing the essay, rough pages are given to you on the back. So wahan pe comprehensively essay ki har dimension ko analyze kariye. Let's say essay aata hai poverty ke upar. To poverty sirf economics se related issue nahi hai. Social poverty bhi hai. इसमें एथिक्स का भी एंगल आएगा, इसमें पॉलिटी का एंगल आएगा, गवर्नमेंट का एंगल आएगा, इसमें एनवायरनमेंट का एंगल आएगा, इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एंगल आएगा, क्योंकि पॉवर्टी एनीवेयर एज दे से इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. तो अगर कोई पुअर है तो दे माइट रिजॉर्ट टू सम ऑफ दी दे माइट यू नो बिकम नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टार्ट रिजॉर्टिंग टू सर्टेन अनवर्दी एक्ट्स और एक्शंस. सो देन इट माइट बिकम एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम. So, and obviously because they are poor, so they will not have access to clean energy. So therefore, poverty might as well breed pollution. So it's not just limited to economic affairs. You have to think of it from different perspectives. Lot of other videos of various toppers and their success stories have also been shared on Delhi Knowledge Track. So you can always keep looking at those videos. Best wishes.